वीडियो फिल्म के मुताबिक रात 10:25 पर गुलाम नबी एटीएम बूथ में दाखिल हुए और एटीएम मशीन से रकम निकालने लगे। रकम निकालने के बाद वो मिलने वाली रसीद पढ़ रहे थे कि 10:11:15 पर कैप पहने हुए ये शख्स अंदर दाखिल हुआ और इसने असलहे के जोर पर गुलाम नबी को लूटने की कोशिश की। गुलाम नबी ने मुजाहमत की और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। इसी दौरान गुलाम नबी ने कातिल को एक तरफ धक्का देकर दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कातिल ने उन्हें मोहलत नहीं दी और इनके सीने पर फायर करता हुआ बाहर निकल गया। ये तमाम वारदात सिर्फ 25 सेकंड में मुकम्मल हुई। बैंक के बाहर लगे हुए कैमरे के मुताबिक कातिल मोटरसाइकिल पर सवार था और वारदात के बाद इंतहाई तेजी से फरार हो गया। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो कातिल के बारे में कोई भी इत्तला हो तो फौरी तौर पर करीबी थाने या पुलिस कंट्रोल 15 पर